मित्रों आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी एक कविता सुना रहा हूँ जिसका संदेश यही है कि ज़िंदगी में हार और जीत बहुत महत्व नहीं रखती, बस हमने जो ध्येय लिया है या जो लक्ष्य तय किया है उसकी तरफ हमको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कभी हार भी आती है तो कभी जीत भी आती है, उससे निराश या उत्साहित होना चाहिए, लेकिन उससे हार से निराश होने की ज़रूरत नहीं, जीत से उत्साहित होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो कविता सुनाता हूँ, उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हार और जीत ही काफ़ी नहीं ज़िंदगी में मेरे लिए, मीलों दूर जाना है अभी मुझे। हार और जीत ही काफ़ी नहीं ज़िंदगी में मेरे लिए, मीलों दूर जाना है अभी मुझे। निराशा के साथ बंधी आशा की एक डोर था मैं, निराशा के साथ बंधी आशा की एक डोर था मैं, उन्नत शिखर की चोटी पर चढ़ जाना है मुझे। हार और जीत ही काफ़ी नहीं ज़िंदगी में मेरे लिए, मीलों दूर जाना है अभी मुझे। है अंधेरा घना लेकिन, है अंधेरा घना लेकिन एक दिया तो जलता है रोशनी के लिए, है अंधेरा घना लेकिन एक दिया तो जलता है रोशनी के लिए। उसी रोशनी का सहारा लिए, उसी रोशनी का सहारा लिए भेद कर घोर तमस का सीना, उसी रोशनी का सहारा लिए भेद कर घोर तमस का सीना। उस दिए का हाथ बटाना है मुझे, हार और जीत ही काफ़ी नहीं ज़िंदगी में मेरे लिए, मीलों दूर जाना है अभी मुझे। चांद पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, चांद पर पहुंच पाऊंगा या नहीं ये सोच अभी नहीं रुकना है मुझे। चांद पर पहुंच पाऊंगा या नहीं ये सोच अभी नहीं रुकना है मुझे। चलता रहा विजय की उम्मीद लिए, चलता रहा विजय की उम्मीद लिए तो चांद पर न सही तारों के मध्य टिमटिमाना है मुझे। हार और जीत ही काफ़ी नहीं ज़िंदगी में मेरे लिए। मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी, तो आप इस कविता को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और एक भरोसा आपसे चाहता हूँ कि जीवन में कभी निराश नहीं होना, हार और जीत जीवन का हिस्सा है, उनसे सबक लेकर के सीख करके हमको आगे बढ़ते जाना है। तो फिर किसी एक रोज़ आपके साथ किसी एक नई कविता के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।